In today's video, I am going to take you guys all around Singapore within 24 hours. हेलो नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी. मेरा नाम है हिमानी एंड आ गई हूँ एक नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ. बड़ी मैं हूँ सिंगापुर में. वेलकम टू सिंगापुर. आई एम हियर इन सिंगापुर फॉर 24 आवर्स. तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी मेरे साथ घुमाऊं सिंगापुर. 24 घंटे में हम क्या क्या कर सकते हैं इस वीडियो में हम साथ में एक्सप्लोर करने वाले हैं. तो चलो शुरू से दिखाते हैं कि जब मैं सिंगापुर लैंड हुई तब से लेके अगले दिन मतलब पूरे एयरपोर्ट वापस जाने तक दिल्ली पहुंचने तक क्या क्या हुआ, क्या क्या मैंने किया इतने कम टाइम में, वो आपको बताने वाली हूँ. सो या लेट्स बिगिन द वीडियो. होटल पहुंचते ही मैंने चेक इन किया और रूम में पहुंचते ही सबसे पहले बाहर के नज़ारे देखे. इतने सुंदर दिख रहा था सब कुछ लिट. बट मेरे पास सिर्फ 24 आवर्स है तो मैंने रूम में फटाफट से अपना सामान रखा, थोड़ा सा फ्रेश हुई और अपना हुलिया थोड़ा सा ठीक किया क्योंकि बहुत चल के आई थी मैं और मुझे नहीं पता था कि सिंगापुर में इतना चलना पड़ता है. इफ़ यू आर नॉट टेकिंग मेट्रो, मेट्रो में भी इवन आप जाओगे तो आपको बहुत चलना पड़ता है गाइज. तो आप प्रिपेयर होके जाना इफ़ यू वॉन्ट टू लाइक एक्सप्लोर अराउंड. और यहाँ पर टैक्सी का रेट काफ़ी ज़्यादा महंगा है तो मैं बस फिर निकल गई. 8 बजे का टाइम था कुछ निकली जब मैंने सोचा 4 घंटे 12 बजे तक मैं घूमूंगी क्योंकि सैटरडे नाइट है. आई वेंट टू चाइना टाउन और चाइना टाउन में काफ़ी रंगत थी और धीरे धीरे जो है माहौल और क्रेजी होता जा रहा था जैसे जैसे रात होती जा रही थी. तो हाँ जी, इस तरीके से कुछ मैंने अपनी रात स्पेंड की. मेरे खाने लायक यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला. किड यू नॉट, देख लो, देखते हैं बाकी. चलो फॉर श्योर मेरे खाने के लिए तो नहीं मिलेगा कुछ. मीठा वीठा कुछ मिल सकता है लाइक केक कुकी समथिंग लाइक दैट. प्रॉपर खाने के लिए तो कुछ नहीं मिलेगा. चलो जी देखते हैं. As I told you, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा. सच में कुछ नहीं मिला. The next day. Good morning from Singapore. तो मैं रात को सो गई थी जल्दी एंड उसके बाद आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. 6 बजे उठ गई मैं. उठ के मैं नहा धो के मस्त ब्रेकफास्ट करके होटल में ही जल्दी से थोड़ा बहुत खाया और उसके बाद मैं निकल गई हूँ सिंगापुर एक्सप्लोर करने के लिए. मतलब मेरे पास ना सिर्फ 12 बजे तक का टाइम है बिकॉज उसके बाद मुझे एयरपोर्ट चेकआउट करना है होटल से, फिर मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है. गाइस सुबह सुबह का टाइम है, लोग अपने एकदम ट्रैक पैंट और बढ़िया ऐसे देखो रन कर रहे हैं पीछे और हम जैसे लोग सुबह सुबह आ गए कैमरा उठा के. By the way, right now I'm sitting right in front of the iconic, the very famous Marina Bay Sands. Yeah, Marina Bay के सामने हूँ. Marina Bay Sands is the hotel name और वो मेरे सामने है. इसके ऊपर observation deck है जहाँ पर आप जा सकते हो but I cannot go क्योंकि वो 11 बजे it opens. तो tourists भी वहाँ पर जा सकते हैं, जाके आप drink food, whatever you want to eat or have something, आप ले सकते हो जाके आराम से थोड़ी देर बैठ सकते हो. बट आई के नॉट गो क्योंकि 11 बजे ओपन होगा. मैं जाऊँगी आऊँगी मेरे ख्याल से 2 घंटा आराम से जाओ तो मतलब ऐसा लगेगा ना 1 घंटा तो बैठो और उसकी टिकट्स वगैरह लगती है जाने की. इट्स नॉट लाइक फ्री कि कोई भी जाके ऐसे बैठ सकता है. तो नॉट पॉसिबल दिस टाइम बट इट्स ओके, हम सामने से ही देख ले रहे हैं अभी तो यहाँ से. गाइज एक बात है, यहाँ पर टैक्सी जो है विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव. मेरे होटल से मरीना बे सैंड्स इज़ लाइक जस्ट 2 किलोमीटर्स और उन्होंने मुझे $12 ले लिए विच इज़ इनसेन. बट क्या करती, मुझे जल्दी आना था. मैं इतना सुबह सुबह अगर वॉक करती तो मुझे और लेट हो जाता तो आई कुडंट डू दैट. और अभी मैं देखती हूँ इसके बाद मैं जहाँ भी जाऊँगी आई सी के मैं मेट्रो से चली जाऊँ क्योंकि भाई साहब बहुत फंटू के फटके लग जाएंगे, कोई सेंस नहीं बनता उसका. और यहाँ पर अभी हम जहाँ जा सकते हैं देर इज़ फ्लायर ऑल्सो लाइक अप सिंगापुर, मतलब उसमें भी पूरा आपको दिखता है. इट्स वेरी हाइट ऐसे लाइक
जॉइंट व्हील टाइप का है, आपने देखा होगा पिक्चर्स वगैरह में, वो भी नहीं ओपन होता, वो दोपहर को 2 बजे ओपन होता है। मतलब देख रहे हो, किस्मत देख रहे हो लड़की की। हाँ, बट कोई बात नहीं, हमें सब कुछ यहाँ से ऐसे सिंगापुर दिख जा रहा है यार, क्या हो गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। की वजह देर इज पैन पैसिफिक होटल जहाँ पर वो मूवी शूट हुई थी यार, जिसमें पूरा पानी भर जाता है, दैट व्हाट मूवी इज दैट, नाम भूल रही हूँ मैं, अक्षय कुमार की। चलो कोई नहीं, छोड़ो। सो गाइज, हम कुछ ऐसे अपनी फोटो क्लिक कर रहे हैं इसके सामने, में थोड़ा सा परिवर्तन है क्योंकि सूर्य देवता आ चुके हैं और गर्मी लगना शुरू हो चुकी है। अभी हमको कम से कम 20 मिनट चलना है टू रीच गार्डन्स बाय द बे। चलते हैं, बहुत सुंदर है, मेरा मन है जाने का, तो ज़रूर चलेंगे। अभी ये तो हमने देख लिया, यहाँ से इसी के अराउंड पूरा वॉक करते हुए हमें जाना है। दिस इज़ द वे ओनली, लेट्स गो गाइस, लेट्स गेट गोइंग, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, समय का सदुपयोग करना बनता है। एंड दैट्स व्हाई वी गोना डू व्हाट वी गोना डू। ओके, लेट्स गो। ये है रास्ता, मैं आपको दिखाती हूँ मुझे कहाँ कहाँ से जाना है। तो ये है, एंड इसके पीछे साइड इस तरफ है गार्डन्स बाय द बे। एंड इन बंदों ने मुझे थोड़ा सा रास्ता बताया, इसलिए मुझे बाय बाय कर रहे हैं लोग। बाय द वे, मैं यहाँ रहती ना तो डेफिनेटली सब रोज़ मॉर्निंग मैं यहाँ पे जॉग करने आती हूँ, क्योंकि यार जब ऐसे नज़ारे होते हैं ना तो अच्छा लगता है। लाइक हाँ, फ्यू इंचेस लेटर यार मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँ ही नहीं, मतलब यहाँ बैठ जाऊँ। सामने जो है ये सुंदर व्यू है, और इतनी बढ़िया हवा चल रही ना, क्योंकि यहाँ पे पूरे पेड़ ही पेड़ है, इतनी बढ़िया हवा चल रही है कि ऐसा लग रहा है बस यहीं बैठे रहो यार। आई डोंट वांट टू गो, बट नहीं, हमें जाना है, लेट्स गो। वी हैव ओनली 3 आवर्स लेफ्ट। तो जी, वहाँ से सीधा सीधा आ रही थी, यहाँ पे ये रास्ता है। ओ वाह, हुला हुप करते करते जॉगिंग कर रही है, क्या बात है भाई साहब, क्रेजी लोग। तो भैया साइंस म्यूजियम, ये वाला, इसके अंदर आपको बहुत टाइम चाहिए। लाइक आपके साथ अगर बच्चे बच्चे हैं तब तो और मज़ा आएगा, लेकिन अगर 2-3 लोग भी हम होते हैं, नॉट ओनली बच्चे, मेरे साथ अगर तारिका होती या सागर होता, कोई होता, तो मैं डेफिनेटली यहाँ जाती, क्योंकि यहाँ बहुत फन है, ये अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप मस्त इन्जॉय कर सकते हो। बट एज आई एम अलोन, इतने मज़े आएंगे नहीं, इसलिए मैं जा नहीं रही हूँ। बट यस, चलते चलते पसीने आ गए हैं। और यहाँ से होटल एकदम सामने दिख रहा है। 20 minutes later Everybody, तो हम आ गए हैं गार्डन्स बाय द बे फाइनली, आधे घंटे के वॉक के बाद। और देर इज अ टिकट काउंटर, यहाँ पर से हमें टिकट लेनी है। दिखा रहा है कि अच्छा, सिंगापुर रेसिडेंट के लिए $10, अभी देखते हैं फॉरेनर्स के लिए कितनी है। चलो चल के बात ही कर लेते हैं ना। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली आई वॉन्ट टू गो टू दिस, विच वन इज ओपन राइट नाउ? Okay, this one different location? So this? It is open? Yeah. For that I need ticket? You going now? By now you must go now. Yeah, I am. Yeah, give me this. Yeah. 1%? Yeah. How much? $10. $10? $10. How far is this?
15 minutes walk. Okay. And this skyway? Turn right. I just have to walk? Turn right. Okay. Thank you. ओके गाइस, तो हमने टिकट्स ले ली है $8 की, काफ़ी महंगा हर चीज़ है इधर। अभी मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखा देती हूँ, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करने के लिए हैं। हम अभी जा रहे हैं इधर स्काईवे, ठीक है। देर इज़ फ्लावर डोम ऑल्सो, क्लाउड फॉरेस्ट विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ मी, फार ईस्ट फ्लोरल फैंटेसी, मुझे यहाँ भी जाना है। तो ये कह रहे 10 बजे खुलेगा, थोड़ी देर पहले यहाँ पे घूम लेते हैं, उसके बाद देखेंगे टाइम रहेगा तो हम यहाँ भी जा सकते हैं। And this is a list of the places. Let's go, Chee. भाई साहब, एक तो मास्क लगाना इतनी गर्मी में ना बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। This is Skyway, this way. Excuse me, Skyway is this way? Skyway? I don't really know. Oh, okay. It's okay. Sorry. It's okay. Thank you. ये रात को बढ़िया लिट होता है यार, अभी दिन में इसका समझ में नहीं आएगा, बट रात को ये बढ़िया लिट होता है तो बहुत सुंदर दिखता है। तो गार्डन्स बाय द बे में हमने सिर्फ ये स्काईवे देखा है और फ्लोरल फैंटेसी, जो अगर मैं देखने जाऊंगी ना, यहाँ से वॉक 15 मिनट का है और उसके बाद बहुत टाइम लग जाएगा। तो आई एम टेकिंग अ मेट्रो MRT टुवर्ड्स द ऑर्चर्ड स्ट्रीट, जहाँ पे मार्केट है। तो किधर से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, इतनी सारी जगह है। वाह यार, ये बहुत ही सुंदर है, मतलब मुझे जहाँ पे से ग्रीनरी होती ना अच्छा लगता है ना। ओह लुक एट दिस, ओह गॉड, सो ब्यूटीफुल। एलिवेटर्स, तो यहाँ से हम आई थिंक, यार किधर है यार MRT किधर है, देखना पड़ेगा। चलो विल फिगर इट आउट। यहाँ पे एक ही दिन में मैं एकदम फैमिलियर हो गई हूँ, बाकी साइंस इतने सही है, सॉलिड है कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो अभी वी आर टेकिंग ग्रीन लाइन, जो कि हमें लेकर जाएगी। मतलब मॉल है नीचे पूरा का पूरा, तो मैंने सोचा चलो यहीं एक वॉक ले लेते हैं, क्योंकि अब बाहर मार्केट जाने का टाइम अपने पास बचा नहीं है। और ऑर्चर्ड स्ट्रीट मैंने सर्च किया, पूछा लोगों से, तो वो भी नहीं ओपन होता है, और अनफॉर्चुनेटली ये मॉल में भी सारी स्टोर्स जो है अभी क्लोज है। बट मैंने सोचा ओके चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट अंदर एंटर कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ नहीं तो। ओह माय गॉड, यहाँ ज़ारा का, यहाँ ज़ारा में सेल चल रही है गाइस, बट ज़ारा का स्टोर बंद है। There's the Apple store, there's LV, there's everything you want. Oh wow, nice. Apple का store तो इतना बड़ा है भाई साहब, बट कुछ भी नहीं खुला, तो कोई time waste करने का मतलब नहीं है, फटाफट से चलते हैं अपन बाहर। यहाँ पर हमारा जो सिंगापुर भ्रमण का जो सफ़र है, मतलब सिंगापुर भ्रमण जो है वो ख़त्म होता है, एंड होता है यहाँ पर। अभी सामने खड़ी हूँ मरीना बे सैंड्स होटल के, और अंदर शॉपर्स से आई, बंद था। अब हम चल रहे हैं हमारी होटल की तरफ, मैंने बुक की है कैब जो कि आ रही है,
विदिन 2 मिनट्स, और कैब में जाएंगे क्योंकि बहुत चलना पड़ रहा है और चलने के प्रॉब्लम नहीं है, टाइम की शॉर्टेज है, टाइम की थोड़ी सी कमी है हमारे पास. तो होटल जाएंगे, चेकआउट करेंगे, सामान उठाएंगे एंड देन डायरेक्टली हम जाएंगे एयरपोर्ट. एयरपोर्ट जाएंगे क्योंकि चांगी एयरपोर्ट वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आता है, बिगेस्ट एयरपोर्ट में, और इतना सुंदर है ना, तो मुझे देखने का बहुत मन है. तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ. मेरी फ्लाइट तो शाम की है 4 बजे की, 4:50 की है, बट मेरे पास बहुत सारा टाइम होगा. लाउंज बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे, तो लाउंज थोड़ा सा आपको दिखाएंगे, आपको एयरपोर्ट दिखाएंगे, एयरपोर्ट में थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं है, घर वालों के लिए कुछ लिया नहीं है तो वो बनता है, राइट? तो या लेट्स गो, अभी कैब आ रही है, कैब में बैठते हैं एंड चलते हैं. A few moments later. So guys, अब time हो गया मेरा यहाँ से checkout करने का. मैं ready हो गई हूँ. फटाफट से सब कुछ करते हैं pack और निकलते हैं airport के लिए. Let's. मेरा GoPro डांस क्यों कर रहा है, डांस क्यों कर रहा है, डांस क्यों कर रहा है? अरे 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 अरे, what happened? Okay guys, let's go to the airport. मैंने कैब बुक कर ली है और यहाँ पे भी ग्रैब ऐप चलता है, तो नॉट अ प्रॉब्लम, ग्रैब करो. Okay,